और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई यह सबसे बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही है कि चीन में तख्तापलट हो चुका है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस अफवाह को और ताकत तब मिला जब खबर सामने आई कि बीजिंग एयरपोर्ट पर 6,000 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, रद्द की जा चुकी है और ये फ्लाइट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही है। तो लगातार इस बात को लेकर अफवाह यहाँ पर फैलाया जा रहा है। क्या चीन में शी जिनपिंग का राज खत्म हो गया है? क्या चीन की सत्ता पर सेना का राज हो गया है? क्या चीन में शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं? क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं, चीन में तख्ता पलट हो गया है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। दावा है कि बीजिंग एयरपोर्ट से 6,000 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। आखिर सोशल मीडिया पर हो रहे इन दावों के पीछे का सच क्या है? सोशल मीडिया पर अफवाह है कि चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जब शी जिनपिंग उज़्बेकिस्तान के समरकंद SCU समिट में थे, तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैली हुई है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि न ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और न ही वहाँ के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर का खंडन किया। चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है, उनको नजरबंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तख्तापलट की चर्चा आम हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब ली किया ओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो चीन शी जिनपिंग की पॉलिसी को लेकर चीन में बड़ा विरोध देखने को मिला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी को लेकर असहमत थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की ताइवान पॉलिसी और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से खुश नहीं थी। शी की जीरो कोविड पॉलिसी का चीन में विरोध हो रहा है। कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खराब हुई, चीन का सप्लाई चेन टूट गया, ऐसे में वहां की लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन में खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं। पिछले महीने चीन के एक राज्य में ATM में पैसे नहीं थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो चीनी सेना ने सड़क पर टैंक उतार दिया था। अब खाने की कमी को लेकर भी लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है इन्हीं वजहों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को हटाने का फैसला किया। शायद जिनपिंग को इन बातों की भनक पहले ही मिल चुकी थी। यही वजह थी कि वो पिछले 2-2.5 साल से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल नहीं रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते जब वो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCU की मीटिंग में शामिल होने गए तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने मीटिंग कर तख्ता पलटने का फैसला किया। चीन से वैसे भी वीडियो तस्वीरें बाहर आ पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें चीनी लोगों ने भी बताया है कि बीजिंग में कुछ असामान्य घटनाक्रम चल रहा है। पूरा शहर सेना के पहरे में है। हालांकि कोई भी इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है कि शी जिनपिंग को वाकई पद से हटाकर नजरबंद किया गया है या नहीं। शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत की अफवाहें पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सोशल मीडिया में सनसनी फैलाती रही हैं कि जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह हो गया है, लेकिन शी अपनी ताकत और मजबूत करते चले गए। UNSC में स्थायी सदस्यता पर भारत को रूस का साथ मिला है और UN की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लोवरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि रूस भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में बड़ा नाव हादसा हो गया है। नाव पलटने से यहां पर 23 लोगों की मौत की खबर है।
कई लोगों के लापता होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की दर्दनाक खबर, बांग्लादेश में एक बड़ा नाव हादसा हुआ और इस नाव हादसे की वजह से 23 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई और इसके साथ ही कई लोग अब भी लापता लगातार बताए जा रहे हैं। 23 लोग की मौत हुई है बांग्लादेश से, बड़ी खबर, बड़ा नाव हादसा वहां पर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर आतंकवाद से पीड़ित रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation. And no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains.